नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कन्हैया सिंह की जयंती पर उनके निजी आवास ठंडी सड़क मड़िया स्थित आवास पर एकत्रित जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों ने उनको याद किया। बता दें तो सभा की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि और साहित्यकार प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी ने कहा कि अपने साहित्य सृजन से डॉक्टर साहब ने देश के फलक पर जनपद का नाम रोशन किया है, वह इस जिले के गौरव थे। शिक्षक श्री गीता सिंह ने कहा कि कन्हैया हिंदी साहित्य का पाठालोचन विद्या के विशेषज्ञ थे। उनकी लेखनी के साहित्य एक विशाल भंडार का सृजन किया है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर साहब ने युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए साहित्य के कई द्वार निर्मित किए हैं, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं डॉक्टर अखिलेश चंद्र ने कहा कि उनके जाने के बाद जनपद के साहित्य जगत में उत्पन्न रिक्तता को कोई भर नहीं सकता। युवा कवि विजयेंद्र श्रीवास्तव करुण ने अपनी स्वरचित कविताओं के माध्यम से डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। सभा का संचालन युवा कवि और वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे ने किया। डॉक्टर कन्हैया सिंह के भतीजे डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि उनकी मृत्यु उपरांत प्रथम जयंती के अवसर पर हिंदुस्तान अकादमी प्रयागराज के द्वारा डॉक्टर कन्हैया सिंह साहित्य सम्मान की शुरुआत की गई और यह प्रथम पुरस्कार पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जयप्रकाश को प्रयागराज में दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर अवनीश राय, प्रोफेसर अल्ताफ अहमद, डॉक्टर नीतू राय, चित्रसेन सिंह, विनीत सिंह, मनोज पांडे एवं अन्य परिवारीजन मौजूद रहे।